बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की विदाउट ओवन यानी कि पतीले में रेसिपी लेके आया हूँ। हम पिज़्ज़ा सॉस भी झटपट एक मिनट में बनाएंगे और ये भी बताऊँगा कि आपके पिज़्ज़ा की डो फूलती क्यों नहीं, कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप मार्केट से, रेस्टोरेंट से बेहतर पिज्जा घर पे बना सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो है, ए टू जी में आज आपको बताऊंगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज, नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डो फूलती क्यों नहीं, ठीक है। ये है इंस्टेंट ईस्ट, मार्केट से अवेलेबल है। वैसे तो इसको डायरेक्ट डो में डालते हैं, लेकिन इसका एक टेस्ट होता है जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है हमारी डो राइज होगी, फूलेगी या नहीं, ठीक है। 1 टीस्पून इस ईस्ट के मैं इस नीम गर्म पानी में, जिसमें मैंने चीनी भी ऐड की है, डाल के साइड पे रख दूंगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदे के, जिसको मैंने इसे छान लिया, लूंगा। इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून और ये है दही, दही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। और अगली चीज़, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे पास है ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। इसकी जगह आप कोई भी सादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखें, जो हमने ईस्ट जिसको भिगो के रखा था, ये फूल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ पे ना फूले, वैसे ही पाउडर सा रहे, तो समझ लीजिए ख़राब है, आपकी डो राइस नहीं होगी, ठीक है। इसको आपने कम से कम 10 मिनट रखना है इसका टेस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे, इस डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और गूंद लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको कुकिंग ऑयल ऊपर लगा के कम 20 से 25 मिनट स्टे दे देना है। ढाम के रखना है इसको किसी भी किचन की जगह में, बस फ्रिज में ही रखना। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक कह लेना मिनटों में हमारा जो चिकन है वो भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लेंगे। छोटे साइज़ की चिकन की बोनलेस की बोटी लेंगे, फ्लेम हाई करेंगे। पहले बगैर कुछ ऐड किए इस चिकन को हम यहाँ पे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब ये वाइट हो जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तब 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, इसको आपने 3 से 4 मिनट हर हाल में कुछ भी ऐड किए बगैर देने ही होते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब पानी या लिक्विड वाली चीज़ ऐड किए बगैर, तो 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे, तब इसमें बिल्कुल ही सिंपल से मसाले जाएंगे। कोई इसमें लंबी केमिस्ट्री आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपने तिक्का मसाला लेना है, ठीक है, तिक्का मसाला ये है मेरे पास, 1 टीस्पून भर के आपने ऐड करना है। ये सभी मसालों का सब्स्टिट्यूट है। अब आपने इस चिकन को इसमें पकाना है, हल्का सा जस्ट इसमें कह लें कि 2 चुटकी नमक की आपको ज़रूरत सिर्फ महसूस होगी, बाकी ये 1 इन ऑल होता है, ठीक है। मार्केट में आप कोई भी ब्रांड ले लें। तो इस चिकन को हम यहाँ पे अच्छे से ड्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, ये देख लें आप, तब हम इसको गलाने के लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा इसमें पानी तो जाएगा ही, पानी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इतनी देर में ये बोटियां जो है अच्छे से पक जाएंगी, गल जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, अब इसको खूबसूरत भी हम करेंगे। खूबसूरत करने के लिए क्या करेंगे, ताकि पिज़्ज़ा के ऊपर ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक आए, थोड़ा सा इस पर जर्दा कलर ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। ये बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी रेसिपी जो है यूनिक होती है और आप में एक प्रोफेशनल लुक आती है आपकी रेसिपी में, ठीक हो गया। ये तैयार है, इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 मिनट के अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। ये है केचप रेगुलर, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ जीरा पाउडर 1 चुटकी यानी कि 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ खुश धनिया पाउडर, ये है हमारे पास ऑरिगैनो 1 चुटकी। और ये है हमारे पास काली मिर्च थोड़ी सी। ये चीज़ें बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। देखें, 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार है, और मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा सॉस से ये कई गुना बेहतर होगा, ठीक हो गया। इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह राइज हो चुकी है। हमने टेस्ट पहले ही कर लिया था ईस्ट का कि ये राइज होगी कि नहीं, तो इसलिए हमें किसी भी धोखे की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। चलें जी, इसको एक दफ़ा दबा लेते हैं, गैस को डिस्चार्ज कर देते हैं इसकी। उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे, तकरीबन 80% इसकी डो हमें चाहिए, बाकी का हम कुछ और बनाएंगे। इसको साइड पर कर लेते हैं, खूबसूरत सा एक पेड़ा बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आपने खूबसूरती के लिए क्या क्या यहाँ पर पापड़ बेलने हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आके लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, उनकी पिज़्ज़े की शक्ल अच्छी नहीं आती, खूबसूरती नहीं आती, क्योंकि एक तो वो नए होते हैं ज़्यादातर, और दूसरी बात ध्यान नहीं दिया जाता इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से गोल कर लेते हैं हाथों से, ज़्यादा अच्छा मैं वैसे कर लेता हूँ। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ आपने पिज़्ज़ा बनाना किसके अंदर है। ये एक हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, एक मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होती है, नहीं तो आप स्टील की कोई भी थाली ले सकते हैं, वो भी काम करेगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेंगे, ये लें जी, ब्रश के साथ या उंगली के साथ ही, जैसे भी आपको इजी लगे, डजंट मैटर। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने आटा स्प्रिंकल कर देना है, ये लें जी। ये यहाँ पर आपको किसी भी तरह के जो बेकिंग पेपर होता है उसी का काम करता है ये चीज़, ठीक है। यही ट्रिक आप केक के लिए भी यूज़
कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छे से इसको स्प्रिंकल कर देते हैं, फैला देते हैं। उसके बाद इस रोटी को आपने बिल्कुल गोल और एक जैसा बनाना है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये कहीं से भी मोटी या पतली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसको इसमें डाल लेने के बाद आपने पिज़्ज़ा की हमारी जो एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान में लुक होती है उसको बना लेते हैं। साइड जो है हम थोड़ी सी मोटी कर लेंगे, जिस तरह से रोगनी नान होता है। उसके बाद एक चम्मच के साथ, कांटे के साथ, इसके ऊपर हम इस तरह से ये निशान लगा देंगे। इससे क्या होता है, ये डो यहाँ से बीच में से ना फूलती नहीं है। तो इसके ऊपर हम इस पिज़्ज़ा सॉस को लगा देते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरी नाम होता है। तो ये हमारे पास मोज़रेला चीज़, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये आप 1 किलो ऑयल जो होता है दूध, उससे बना सकते हैं। ये हमारे पास येलो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, ये लें जी, ये मैंने घर पे ही तैयार की थी। और ये है हमारे पास शिमला मिर्च ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की शिमला मिर्च को 2 से 3 दिन घर रखें तो वो येलो हो ही जाती है। प्याज बारीक से कट के, अब ये इन सब्जियों में कोई शर्त नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप बड़ी काट के इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। चिकन को भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, लगा देंगे। अब यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि चीज़ों में एक पैटर्न रखें, चीज़ों में एक फासला रखें, एक खूबसूरती रखें, ठीक है। ये एंड पे इसमें मैं ये ऑलिव्स डाल रहा हूँ। और ये है मेरे पास ओरिगैनो, ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। पिज़्ज़े में जो पिज़्ज़े की खुशबू होती है ना, वो ओरिगैनो और चीज़, इन दो चीज़ों की मदद से आती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी पतीला पुराने वाला घर का ले लें, उसके अंदर आपने ये बेकिंग स्टैंड या स्टीमर या कोई भी कटोरी जो स्टील की हो वो रख देनी है, ताकि ये बेकिंग ट्रे इससे ऊपर आए, ठीक है। पैंदे के साथ पतीले के ये नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको ढांप देना है 1 मिनट के लिए, फुल फ्लेम को ऑन करना है। उसके बाद बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम आपने रखना है, ऊपर से किसी कपड़े से ढांप दे ताकि ही डिस्चार्ज ना हो। और 15-20 मिनट बाद आपने लेना है मक्खन पिघला हुआ, और इसकी साइड्स के और इसके ऊपर आपने अच्छे से लगा देना है। इससे खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा, चमक भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी, मतलब कि कमाली हो जाएगा। चलें जी, लगा देने के बाद फिर ढक्कन रख दे। टोटल आपने इसको 25 मिनट पकाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 25 मिनट के बाद ये देखें, आप इसको उंगली लगा के टच कर सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह डन है। इसको काटते हैं और इसकी कटिंग करके इसको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितनी आसानी से ये इसमें से उतर गया है। तो इसकी कटिंग करेंगे और देखते हैं ये कैसी लुक लेके आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो पिज़्ज़ा विदाउट अवन, इसमें पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है, इसमें आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मिलेगी, इसमें आपको यानी कि नो अवन, किसी चीज़ की इलेक्ट्रिक की मदद के बगैर हमने ये पिज़्ज़ा शानदार तैयार किया है। उम्मीद है ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये राइस हुआ हुआ है, ये कम्प्लीटली कुक है, जला भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसको पैंदे से ऊपर रखा था। इसी तरह बिरयानी की रेसिपी के लिए, कोरमा की रेसिपी के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए, 10 मिनट्स रेसिपी के लिए, यमी टेस्टी रेसिपीज के लिए, इंस्टेंट रेसिपीज के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए, इजाज़त अंसारी कंप्लीट रेसिपीज के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाइए, इंशाल्लाह आपको सभी रेसिपीज मिलेंगी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त अंसारी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।